जो हमारे पास मधुसूदन डेयरी की ब्रांच है, मधुसूदन की तरफ से हमारे पास भाई आए हुए हैं, वो जानकारी देंगे आपको मशीन की सर्विस के बारे में। मशीन है जो नंबर निकालती है, SNF एंड ये मशीन भी क्लीनिंग चल रही है, और ये भाई मधुसूदन की तरफ से आए हुए हैं किसान भाई उनके लिए, ये आगे आपको मशीन की बारे में। अभी चल रही है इसकी क्लीनिंग, जो वीकली क्लीनिंग होती है इसकी, वो हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार ये वीकली क्लीनिंग लगती है। वैसे तो डेली का क्लीनिंग अलग होता है यहाँ, लेकिन जो हफ्ते वाला रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि जो अंदर पाइपों में जो दूध में हमारे में जो ठोस तत्व तो होते हैं वो जम जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए, जैसे कैल्शियम बता दी उसे हटाने के लिए वीकली क्लीनिंग की जाती है। अगर वो नहीं हटाया जाएगा तो उससे क्या होता है कि ये मशीन हमारी प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाएगी कितना फैट आ रहा है, कितनी SNF आ रही है, उसमें थोड़ा अंतर आने लगेगा, बैठिए समझ आने लगती है मशीन। इसलिए ये मशीन को हर हफ्ते में एक बार वीकली क्लीनिंग देना बहुत आवश्यक होता है। वही चीज़ अभी हो रही है, हर हफ्ते हम इसे करते हैं। जैसे कि हमारी अगर ये हम नहीं करेंगे तो मशीन कभी भी सही मायने में उसका सही रिपोर्ट नहीं दे पाएगी। जैसे दूध की अगर कीमत 50 रुपये लीटर है, अगर वेरिएशन आ रहा है तो उसे 55 भी बता सकती है और 40 भी बता सकती है। इसलिए इस मशीन को हमेशा प्रॉपर तरीके से साफ करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहता है। और डेली जो केमिकल रहता है, अभी हमारे इनके भाई के पास रखा हुआ है, ये ईकोडे केमिकल होता है, इसमें इसको दूध कलेक्शन करने के बाद इसे लगाया जाता है। इसकी 21 साइकिल लगाई जाती है, और इसकी अभी जो हमारे पास ये केमिकल है, बीक केमिकल बोलते हैं इसे, इको भी, इसकी 41 साइकिल लगाते हैं। 41 साइकिल लगाने के बाद इसमें प्लेंजर लगाएंगे, प्लेंजर से साफ होने के बाद उसके बाद इसे पानी से 2-3 बार साफ कर देते हैं, उसके बाद हमारी प्रॉपर क्लीनिंग हो जाती है, जिससे कि मशीन हमारी फैट एसएनएफ प्रॉपर दिखाती रहे।